हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 144। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 12 पर्सन ए थ्रू एल वर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागन टेबल सच दैट सिक्स ऑफ देम आर सिटिंग एट ईच साइड्स एंड सिक्स आर सिटिंग एट ईच कॉर्नर्स। ओके उसने हमसे बोला कि 12 आपके पास लोग हैं ए से लेकर एल तक जो कि एक हेक्सागन टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और किस तरीके से बैठे हुए हैं, आपके पास जो 6 लोग हैं वो ईच साइड पर बैठे हुए हैं, फाइन, और बाकी के जो 6 लोग हैं वो कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं। ओके उसके बाद ईच पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड ईच पर्सन सिटिंग एट द साइड्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके ईच ऑफ देम वर सिटिंग ऑन डिस्टिंक्ट सीट्स विच वर रेंडमली नंबर्ड 1 to 12। ओके उसने हमसे क्या बोला कि आपके पास वो पर्सन जो कि कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और वो पर्सन जो कि साइड्स पर बैठे हुए हैं अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, और यहाँ पर जहाँ कहीं भी वो बैठे हुए हैं उन सीट्स को रेंडमली नंबर किया गया है 1 से लेकर 12 तक। मतलब क्या हो सकता है, ये आपके पास फर्स्ट सीट हो, या आपके पास 12th सीट हो, या आपके पास 6 सीट हो, इस तरीके से रेंडमली इनको नंबर कर दिया गया है। उसके बाद नो टू पर्सन हैविंग नेम्स इन कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर सिटिंग टुगेदर। कोई भी दो पर्सन जिनका नाम कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है साथ में बैठे हुए हैं। मतलब क्या, अगर बी है तो इसके साथ ए और सी नहीं बैठा हुआ होगा, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब इसी पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दी हैं। सो एक काम करते हैं हम, क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कंडीशंस लिखता हूँ। देखिए उसने हमें क्या बताया कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटेड एट द सीट नंबर 8। ए कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट है उस पर्सन से जिसका सीट नंबर क्या है, 8 है, ठीक है। उसके बाद ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द सीट नंबर विच आर स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द सेम नंबर। ओके उसे बोला कि सिर्फ एक पर्सन है उन सीट्स नंबर के बीच में जो सीट नंबर स्क्वायर और क्यूब है एक ही नंबर का। अब देखिए, अगर हम 1 से 12 के बीच में बात करें तो आपके पास स्क्वायर और क्यूब एक ही नंबर का कौन हो सकता है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और क्यूब मतलब 8, यही तो हो सकता है ना हमारे पास। तो इन दोनों के बीच में आपका एक कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सी एंड डी आर 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, बोथ आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड वन ऑफ देम इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए। ओके उस टाइम से बोला कि आपके पास सी और डी 2 प्लेसेस अवे हैं एक दूसरे से, सी और डी, ठीक है, और दोनों ही सेंटर की तरफ देख रहे हैं, दोनों ही सेंटर की तरफ देख रहे हैं, फाइन, और इनमें से एक नेक्स्ट टू है किससे, ए से। ओके इनमें से एक ए के पास है, फाइन। उसके बाद डीज बोथ नेबर्स हैव प्राइम नंबर्ड सीट, डी के जो दोनों नेबर्स हैं उनकी सीट नंबर क्या है, प्राइम है, ठीक है। उसके बाद आई हुज सीट नंबर इज ए स्क्वायर सिट्स नेबरिंग एफ एंड सीट नंबर 6। ओके उसने बोला कि आई जिसका सीट नंबर क्या है वो स्क्वायर में, स्क्वायर में मतलब क्या हो सकता है, 4 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, ठीक है, या फिर हम 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। उसने बोला ये कहाँ पर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है एफ के पास और सीट नंबर 6 के पास, ठीक है। उसके बाद एल्स सीट नंबर इज हाफ ऑफ द सीट नंबर ऑफ एच हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल। ओके उसने बोला कि जो एल का सीट नंबर है वो हाफ है किससे, एच के सीट नंबर से, और एच कहाँ पर बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट में एल से। ओके उसके बाद जी सिट्स एडजेसेंट टू बी एंड ई, जी कहाँ पर बैठा हुआ है, एडजेसेंट बी और ई से, ठीक है। उसके बाद जी सीट नंबर इज इवन बट नॉट द लार्जेस्ट नीदर इट्स द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके उसने हमसे बोला कि जो जी का सीट नंबर है वो इवन है, ठीक है, और वो आपके पास क्या नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है मतलब 12 नहीं होगा, और ना ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब 2 भी नहीं होगा। तो ये क्या हो सकता है, आपके पास 4 हो सकता है,
सिक्स हो सकता है, एट हो सकता है और टेन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जी सीट नंबर इज लेस देन आई सीट नंबर, ओके, जो जी का सीट नंबर है वो लेस है किससे, आई के सीट नंबर से, ठीक है। डी सीट नंबर इज वन, डी का सीट नंबर क्या है आपके पास, वन है, ओके। उसके बाद बोथ दी सीट नंबर्स नेबरिंग सीट नंबर 12 इज इन मल्टीपल ऑफ थ्री, ओके, जो 12 के दोनों नेबर्स हैं, ठीक है, उनका सीट नंबर क्या है, वो 3 के मल्टीपल में है, ठीक। उसके बाद एच फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, एच कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। और उसके बाद एल सीट नंबर इज नॉट ऑड नंबर, ओके, एल का जो सीट नंबर है वो ऑड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ए सीट नंबर इज मोर देन एल्स, ए का जो सीट नंबर है वो एल से ज़्यादा है, ठीक है। बी सीट नंबर इज मोर देन जी, बी का जो सीट नंबर है वो ज़्यादा किससे, जी से, ओके। उसके बाद सी सीट नंबर इज मोर देन ए, सी का जो सीट नंबर है वो ज़्यादा किससे, ए से, ठीक है। उसके बाद जे सीट नंबर इज नॉट इन मल्टीपल ऑफ थ्री, ओके, जे का जो सीट नंबर है वो 3 के मल्टीपल में नहीं है, ठीक है। उसके बाद पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे हैज एन इवन सीट नंबर, ओके, वो पर्सन जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है जे से, उसका जो सीट नंबर है वो क्या, इवन है, ठीक है। इतनी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप देखिए इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ, दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है। आपके पास हेक्सागन टेबल है, ओके, अब अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखिए हम एक चीज़ जानते हैं ना कि ए आपके पास कहाँ पर बैठा हुआ है, ए आपके पास सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, एट से, और ए के नेबर सी और डी में से कोई एक पर्सन है, हम इतना जानते हैं। और सी और डी आपके पास कहाँ देख रहे हैं, वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए अगर ये दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली ये दोनों कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। अगर ये दोनों कॉर्नर्स पर होंगे तो ए कहाँ पर होगा, ए आपके पास साइड्स पर ही तो होगा ना, इजेंट इट। तो हम इसको इसी तरीके से बनाते हैं क्या, कि हमें ये पता चल गया ए आपके पास कहाँ पर है, साइड पर है। तो अगर एट आपके पास मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, इन दैट केस इसके सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, एट आपके पास यहाँ पर है तो ए आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, फाइन। अब देखिए फोर और एट के बीच में एक पर्सन है, तो मतलब क्या, यहाँ से अगर हम देखें आपके पास फोर यहाँ पर हो सकता है या फिर फोर आपके पास यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पुट करना चाहते हैं सी और डी को, तो देखिए सी और डी आपके पास कहाँ पर आ सकते हैं, हम एक पॉइंट जानते हैं ना कि डी के जो दोनों नेबर्स हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्ड है, ठीक है। इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से तो यहाँ पर आपके पास डी तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, सी आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, डी आएगा, फाइन। डी का जो सीट नंबर है वो कितना है, वन है, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके पास सी, यहाँ पर आपके पास डी, ये भी पॉसिबल है। और एक और अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी बनाना चाहता हूँ, ओके, अगर मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके पास डी वन, यहाँ पर आपके पास सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब इसके आगे देखिए, अगर हम बात करें किसकी, आई की, तो आई आपके पास या तो फोर था या फिर नाइन था, हम इतना चीज़ जानते हैं। और जो जी है उसका सीट नंबर आई से कम है। अब देखिए जी का जो सीट नंबर है वो क्या हो सकता है आपके पास, मिनिमम फोर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आई का जो सीट नंबर है वो फोर तो होगा नहीं ना, इजेंट इट, क्योंकि अगर फोर हो जाएगा, फोर से कम तो जी का सीट नंबर हो ही नहीं पाएगा ना, इजेंट इट। तो इसका मतलब क्या है कि आई का सीट नंबर कितना है, नाइन है, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जी की, जी का सीट नंबर क्या हो सकता है, देखिए समझिएगा, क्या आपके पास जी का सीट नंबर सिक्स हो सकता है क्या। अगर इन केस मैंने जी को यहाँ पर पुट करा दिया, हम एक चीज़ जानते हैं ना, जी के नेबर्स तो बी और ई में से कोई है, आई तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि जी आपके पास ये नहीं हो सकता। सिमिलरली हम एक चीज़ जानते हैं कि जी का जो सीट नंबर है वो आई से कम है, मतलब क्या, नाइन से कम होगा तो वो टेन भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जी की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, या तो वो फोर होगा या फिर वो क्या होगा, एट होगा। तो इन्हीं की हम पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं कैसे, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए आपके पास, अगर मैंने जी को यहाँ पर पुट करा दिया तो आपके पास ई यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, या फिर अगर मैंने जी को यहाँ पर पुट करा दिया तो बी ई यहाँ पर, बी ई यहाँ पर, यही बन सकता है। इसका मतलब क्या है, हम एक चीज़ तो जानते हैं ना, यहाँ पर आपके पास या तो बी आएगा या फिर ई आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए आपके पास, अब यहाँ पर तो
आपके पास जी फोर तो हो ही नहीं सकता है, तो जी क्या होगा इस कंडीशन के हिसाब से, ए टी होगा। और अगर जी यहाँ पर है तो यहाँ पर आपके पास बी तो आ नहीं सकता है, बिकॉज ए के साथ बी नहीं हो सकता था, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास ई आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा बी आएगा इस पॉसिबिलिटी में। सिमिलरली इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करता हूँ तो फिर वही चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास बी आ सकता है या फिर ई आ सकता है। ठीक है, आई थिंक अभी तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं एल और एच की, तो एल और एच की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम एक चीज़ जानते हैं ना, एल का जो सीट नंबर है वो हाफ है किससे, एच से। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एल का वन होगा तो एच का ट्वाइस होगा, अगर एल का टू होगा तो एच का फोर टाइम्स होगा, अगर ये थ्री होगा तो ये सिक्स होगा, ये फोर होगा तो ये एट होगा, ये फाइव होगा तो ये टेन होगा, ये सिक्स होगा तो ये ट्वेल्व होगा। यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। हम एक चीज़ जानते हैं, एल आपके पास वन तो हो नहीं सकता है, वन के आपके पास डी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी, देखिए हम एक चीज़ जानते हैं ना कि आपके पास जो एच है, देखिए वो कहाँ देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब वो कहाँ पर होगा, कॉर्नर पर होगा। ठीक है, अगर वो कॉर्नर पर होगा तो देखिए ये फोर तो हो ही नहीं पाएगा ना, इसका मतलब क्या है, एच आपके पास ये भी नहीं बन सकता पॉसिबिलिटीज़ की। ठीक, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए एल का जो सीट नंबर है वो ऑड नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। फाइन, फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, इस पॉसिबिलिटी की, तो देखिए एच आपके पास एट हो सकता है क्या, अगर मैंने एट को यहाँ पर पुट करा दिया तो इसके राइट में आपके पास एल नहीं आ पाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपके पास एल और एच की सिर्फ यही तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, आपके पास एल क्या होगा सिक्स होगा और एच क्या होगा ट्वेल्व होगा। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, इन दैट केस देखिए आपके पास ये क्या है एल है, तो एल इसके इमीडिएट राइट में आपके पास क्या है एच है। ठीक है, ये आपके पास है ट्वेल्व, ये आपके पास है कितना सिक्स। फाइन, अब देखिए आई और एफ आपके पास सिर्फ यहीं पर तो आ सकते हैं ना, आई आपके पास कितना है नाइन। ठीक है, तो ये चारों क्या आएंगे एक साथ आएंगे। अब ये कहाँ आ सकते हैं इसको हम चेक करते हैं। देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि एच आपके पास सेंटर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ये कहाँ पर होगा कॉर्नर पर होगा, अगर ये कॉर्नर पर होगा तो एल कहाँ पर होगा आपका साइड पर होगा, अगर एल साइड पर है तो ये कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर भी मैं पुट नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो हाँ यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर नहीं पुट करा पाऊंगा बिकॉज इसके राइट में एच नहीं हो सकता, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी सीट नंबर लिख लेते हैं, ट्वेल्व है, ये आपके पास सिक्स है, ये आपके पास नाइन है। ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एल कहाँ हो सकता है, एल आपके पास यहाँ पर नहीं हो पाएगा, एल आपके पास यहाँ पर हो पाएगा, एल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो अगर हम पुट कराते हैं, एल आपके पास यहाँ पर है, इसके इमीडिएट राइट में एच, ये आपके पास हो जाएगा आई, ये आपके पास हो जाएगा एफ। ठीक है, सीट नंबर लिख लेते हैं ट्वेल्व, ये आपके पास है कितना सिक्स, ये आपके पास है नाइन। ठीक है, इसमें भी बना लेते हैं आपके पास, फिर हम देखेंगे हमारे पास एल सिर्फ यहीं पर आ पाएगा सिक्स, एच आपके पास यहाँ पर आएगा ट्वेल्व, आई यहाँ पर आएगा नाइन, एफ यहाँ पर आएगा फोर। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि जो ए का सीट नंबर है वो ज़्यादा है किससे, एल से। ठीक है, हम जानते हैं ना एल का सीट नंबर कितना है सिक्स है, तो ऑब्वियसली ए आपके पास फोर तो हो नहीं पाएगा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। फाइन, अगर हम बात करते हैं इन दो पॉसिबिलिटीज़ में, अगर हम बात करते हैं किसकी, जी बी जी ई की, तो आपके पास इस साइड तो कहीं पर बन ही नहीं सकता है ना, हम यहीं पर बना पाएंगे, और यहाँ पर भी अगर बनाएंगे तो जी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर बी तो आ नहीं सकता है तो यहाँ पर ई आएगा। फाइन, बी आपके पास यहाँ पर आएगा। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास बी यहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आएगा, और ई आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली बना लेता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ओके, तो अभी तक अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट सीट नंबर किसको अलॉट हुआ है, डी को। ठीक है, और एच को कितना हुआ है ट्वेल्व हुआ है, एल को कितना हुआ है सिक्स हुआ है। ठीक है, आई को कितना हुआ है नाइन हुआ है, और जी को कितना हुआ है एट हुआ है। फाइन, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए ए का जो सीट नंबर है वो एल से ज़्यादा है, मतलब क्या यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, और बी का जो सीट नंबर है वो जी से ज़्यादा है, मतलब इन दोनों में कहीं होगा। ठीक है, और सी का जो सीट नंबर है वो ए से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ए कहाँ पर आ सकता है, ए यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ए यहाँ पर नहीं आ पाएगा,
ए आपके पास सिर्फ यहीं पर आएगा, ठीक है, तो ए का सीट नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बी और सी आपके पास यहाँ पर आएंगे, ठीक। अब हम एक चीज़ जानते हैं ना, 12 के जो दोनों नेबर्स हैं वो उनका सीट नंबर 3 के मल्टीपल में, अब 3 के मल्टीपल में अगर हम देखें तो आपके पास कौन सा रह गया, यही तो रह गया ना, इजेंट इट। तो यहाँ पर आपका सीट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका सीट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फाइन। अब देखिए बी और सी इनका जो सीट नंबर होगा वो या तो 10 होगा या फिर 11 होगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये जो सीट नंबर रह गया और यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, रिमेनिंग 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपके पास 5 हो गया, ये आपके पास 5 हो गया, ठीक है। आपके पास एफ़ 4 हो गया, इसको मैं और लिख लेता हूँ, ये आपके पास एफ़ क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसने हमसे क्या बोला था कि आपके पास जो जे है, फाइन, उसका सीट नंबर 3 के मल्टीपल में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जे यहाँ पर आएगा, सिमिलरली जे आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसने हमसे क्या बोला था कि जे का जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, उसका सीट नंबर क्या है, इवन है। यहाँ पर अगर हम देखें ये आपके पास इवन नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें अगर इवन है तो सी आपके पास क्या होगा, 10 होगा ऑब्वियसली। अगर सी आपके पास 10 होगा तो बी आपके पास क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फाइन। सो ये हमारे पास क्या बनेगी, फाइनल पजल बनेगी। आई होप आपको समझ में आएगा जिस तरीके से इसको हमने अप्रोच कराया, ठीक है। थैंक यू सो मच।